अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है। हर जगह लॉकडाउन हुआ हुआ है, कहीं आया जाया नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी सी लॉकडाउन में नरमी हुई है और अब दर्जनों की दुकानें खोल दी गई हैं और गर्मियां भी आ गई हैं। इस वजह से अब हम लोगों ने सोचा कि चलें अब कपड़े ख़रीदे तो नहीं जा सकते बाज़ार जाके, लेकिन चलो जो पहले से मौजूद हैं उनको तो सिया जा सकता है ना, उनको तो सिलने दिया जा सकता है। तो आज बस हम आपको इस हवाले से ही दिखाने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं मम्मा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई ठीक होंगे। आपको पता ही हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे, अपने जुबान में रखे, अल्लाह ताला सब तरफ खैरियत रखे। अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क से सब जगह से ये बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। आइए मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये बच्चों कपड़े निकाले हैं आप देखें, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये इसकी सलवार है, ये कमीज़ है, इसका गला देखें आप कैसा है, ये दुपट्टा है। बच्चों के लिए मैंने निकाले हैं, बच्चों के लिए निकाले हैं मैंने, तो ये देखें। तो मैं और दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कोरोना वायरस की वजह से ना, बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये दुपट्टा है, ये सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने कहा चलो आप दर्जियों की भी दुकान खुल गई है तो मैं बच्चों के लिए दे दूँ सीनों के लिए कपड़े। ये देखें आप, बहुत अच्छा है, ये आपको भी पसंद आएगा। चलो मैंने कहा शेयर कर लूँ, क्योंकि फैसलाबाद तो वैसे ही सनती इलाका है, आपको पता ही है सनती इलाका है, इसमें हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, बहुत बहुत प्यारे। अब तो दुकानें काफ़ी बंद है ना, इसलिए नहीं मिल सकते। ये देखें, ये देखें, ये दुपट्टा है, तो ये इसकी कमीज़ है, ये देखें आप। तो बस अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अब रमज़ान आ जाना है, रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैंने कहा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत सा हो जाए, फिर बाज़ार खुल जाएंगे ना, फिर बाज़ार में से ना जाके ना फिर बच्चों के कपड़े वगैरह। ये इसका दुपट्टा है, तो मैं इसकी सलवार भी दिखाती हूँ आपको, इधर ही पड़ी होगी। तो ये इसकी सलवार, चाहे ट्राउज़र बना लो चाहे जो मर्जी कर लो। तो ये भी एक सूट है, तो ये इसकी कमीज़ है। तो मैं वो ही कह रही थी आपको, ये चादर है, ये कमीज़ है इसकी, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा सूट है, ये भी अब हो जाएगा। और ये देखें, अल्लाह ताला सब बीमारों को शफा दे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सब जगह से ये बीमारी ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से सब जगह से ये परेशानी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला करे, सब परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता नहीं सकते। हाँ बहन भाइयों को मेरा ख्याल है, ज़रूर पसंद आएंगे कपड़े। अब सुबह मैं बच्चों को कहूँगी ना ये शीलिंग कर लें, शीलिंग करके कर लेंगे ना, तो फिर मैं किसी दर्जी को दे के या ख़ुद कोशिश करूँगी एक आधे सूट की। मेरे टाइम से सिलते नहीं ना कपड़े ज़्यादा, तो फिर मैं घर का भी काम करना होता है, इसलिए मैं ना खुद नहीं सीती ज़्यादा कपड़े। तो अब बच्चों को सिलाने हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इधर, फिर आगे रमज़ान का महीने की भी तैयारी शुरू करनी है, इबादत भी करनी है। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे। आप बहन भाई सब मुझे दुआओं में अपनी याद रखना, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें। आपको मेरी कैसी लगी ये वीडियो, मैं आपकी जवाब का इंतज़ार करूँगी, आप ज़रूर मुझे शेयर करना। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।